एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है। इनकी छोटी बड़ी सॉरी छोटी मोटी लोग भूल गए, छोटी मोटी लोग जो भरी दुनिया में, लोग जो भरी छोटी सी दुनिया में। और क्या हो गया, क्या हो रहा है तुमको? वो बाबा तंदूरी नाइट, ये बराबर याद है। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। शाबाश रे चित्ते, तभी तो तुम मेरे को ही बोलते नहीं था, आओ ना इंट्रोडक्शन शूट करो ना, नहीं तो याद भी नहीं रखो मुझे। सो गाइज, आज का वो दिन आ गया है कि ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूं, बताओ बताओ। चले चले टाउन शादी के लिए। बाय द वे, कल वाले व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आए कि आप लोग यूट्यूब मत छोड़ो मत छोड़ो, इसीलिए आज हम लोग यूट्यूब छोड़ कौन रहे हैं, व्लॉगिंग मत छोड़ो पगले। YouTube मत छोड़ो पागल। हम मतलब बात तो एक ही है ना, व्लॉगिंग के लिए बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि हमको मजा आती है आपकी व्लॉग्स देखने, आपकी डे टू डे लाइफ देखने, कनेक्टेड फील होता है लोगों को। yes. इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे, हम okay. लोग व्लॉगिंग बनाएंगे डेली और आपको बताएंगे कि रोज हमारे घर में क्या क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। Yes, all will be updated. और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी पहले हमारा जो छोटा सा बेबी ठीक हो गया है, थोड़ी सी बेटर है, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बहुत। Don't tell me, Sufi, we are stuck in the lift. नहीं जाने देना चाहते हैं। हाँ, देखो ना, सात माले पे टक गई है इसकी गाड़ी। जाएंगे कि नहीं नीचे? और ऑलरेडी कितने बज रहे हैं? मेरी आई वॉच चार्ज नहीं है। वाओ, वी आर ऑलरेडी लेट। टेंस का माहौल है यहाँ पे, लिफ्ट अटक गई है। कॉल करो ना सुफियान, किसी को कॉल भी नहीं लगेगा। ओ माई गॉड, जिससे लास्ट उम्मीद थी, फैन वैन भी बंद हो गया, मतलब अभी ये गर्मी में मारेगा। रेस्क्यू, चलो चलो अभी चलते हुए नीचे। अल्लाह, तुम इतना सारा सामान कैसे उठाओगे, तुम्हारी तबीयत अभी फटी है। चलेगा चलेगा। ओ माय गॉड, दोनों लिफ्ट नहीं चालू है, दोनों लिफ्ट बंद है, ये क्या हो रहा है? सुफियान, वो तुम नहीं उठा पाओगे, तुम्हारी नाभि सरक जाएगी, प्लीज डोंट डू इट। जैसे तैसे करके हम लोग नीचे तो आ गए, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग की मेड भी वही लिफ्ट में थी, तो हम लोग को हेल्प हो गई थोड़ी। उन लोगों ने, बेचारे लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिए और 7 फ्लोर से हम लोग नीचे उतरे। अच्छा, 18 माले पे लिफ्ट बननी हुई। एग्जैक्टली, अगर 18 माले पे होते तो मैं तो घर जाती, मैं बोलती जब लिफ्ट चालू होगी तब बोलना, मैं तब उतरूंगी। तंदूरी नाइट से ज्यादा नहीं भाई, नहीं। अभी अभी अल्लाह अल्लाह करके तबीयत ठीक हुई है। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की दुआ और सपोर्ट के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूफी वापस जबरू गवान नहीं, मतलब अभी तक मेरा श्योर नहीं हुआ, अभी तक ठीक हुआ गया, कुछ खाऊंगा ना, जवान जवान गबरू जवान, गबरू जवान को मेरे जबरू गवान, बोबड़ी सॉरी गबरू जवान। मैं बोल रहा था कि अभी तक है ना, मेरे को कंफर्म नहीं हुआ कि मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं एमडी स्टमक हूँ, तो एमडी स्टमक तो मैं अच्छा ही रहता हूँ, खाने के बाद मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बी पॉजिटिव, सब सही होगा। ब्लड ग्रुप भी वही है, ब्लड ग्रुप बराबर बोला, बोबड़ी मेरे को बोबड़ी बोलता, खुद भी वही है। कहाँ ये आदमी मसाला डोसा खाता था, इडली पहले ज्यादा खाता ही नहीं था, आज इडली खाना पड़ रहा है। बट आई इनकरेज यू, तुम इडली खाओ, आज मैं मैसूर मसाला डोसा खाऊंगी दिखा रही हूँ, मतलब अभी तक आया नहीं, अभी आने वाला है। और यहाँ से फिर हम लोग वापस से कल का रूटीन करेंगे, वापस से जाएंगे, नारियल पानी पियेंगे सो दैट तुम्हारा जल्दी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। डॉक्टर ने बोला टमाटर नहीं खाया, फिर भी तुम ये पी रहे हो। चटनी खाया मैं, हाँ, इसका सिर्फ एसेंस लेता हूँ। कैसा? ये सा एसेंस, वापस बताओ। अरे क्या मजाक उड़ा रहे हो, बिल्कुल क्या समझता नहीं। नॉडी आया, नॉडी लाल है अभी, हाँ इसमें भी दिख रहा है लाल लाल, ये देखो आया नॉडी, नॉडी नॉडी। तुमने बहुत ज्यादा लिए पर एसेंस इस बार, बड़ा पिछला ना चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अभी खाने के साथ साथ डायरेक्टली पहुंच गए अब हम लोग अंधेरी। आ गया मेरा कपड़े, आज मेरा कपड़े का ट्रायल है। क्या हो गया तुमको, इतनी खुशी, मजा कि तुम्हारे कुछ भी बोल रहे हो तुम, खुशी नहीं समारी मेरे में निदा। जल्दी जल्दी करो, मुझे तुम्हारे लिए बैंड्रेसेस और कपड़े खरीदना है। अरे और कपड़े खरीदने का टाइम नहीं है अभी, चलो आओ फटफट। सुफियान अभी चेंज कर रहे हैं, देख रहे कि उनको आउटफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर रिसेप्शन का। मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो एक सरप्राइज है गाइस, वो आप लोग को दिख जाएगा, थोड़ा सबर तो जल्दी जल्दी पहनो, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। सुफियान तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, क्या लग रहे थे तुम एकदम, यहाँ पर भी सब देख रहे थे अजीम मोशन शहनशाह सेना हमारे पीछे आओ वो सब लेना चाहिए था बट तुमको बोला अभी मैं, तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम्हें नहीं दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी, नहीं मुझे नहीं दिखाना है, इतनी जल्दी रिवील नहीं करना है मुझे ड्रेस, नहीं दिखाया आपने, मेरे फैन में भी नहीं दिखाया किसी। यस, अच्छा आप लोगों को मैं खाली सी थोड़ी सी वो हिंट दिखाता हूँ, दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग। यस,
चलो जल्दी, अभी मेरा ड्रेस वाला वहाँ पे बेचारा अकेले वेट कर रहा है। खाली मेरे जूते का साइज थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ओके, जूते का साइज हो जाए एक बार। और फिर हम लोगों को तब तक 2 घंटा क्या करेंगे हम लोग? 2 घंटे का भी टाइम है, फिटिंग विटिंग थोड़ी सी, फिटिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बाइसेप मेरे बढ़ गए। ओह माय गॉड, लेट्स गो। सुफियान के साथ अभी ऐसा सीन हो गया, एक आदमी सुफियान को रास्ता दिखा रहा था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, वो बोला राइट में जाओ, हम लोग को सीधा जाना है भाई। उसको लगा मैं उसका ड्राइवर लेना है उसको। सुफियान रुको 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 रुको, जल्दी रुको जल्दी रुको, जल्दी रुको, मेरा आ गया ड्रेस वाला, जब तुम पैक करके आओ मैं जा रही हूँ भाई। आई एम सो एक्साइटेड, चलो चलो जल्दी चलो। क्या पोपट हुआ है निदा का, फटाफट भागते भागते ऊपर है, बोले मैं जाके देख लूंगी देख लूंगी, अभी तक ड्रेस ही नहीं आया। देख लो ये देखो क्या हो गया मेरे शर्ट को, ये क्या हो गया। आई एम सो एक्साइटेड, मेरे कलर से मैच कर रहा है एकदम। इधर दो, इट इज ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और वो कलर कॉम्बिनेशन इतना सुपर्ब है, थैंक गॉड यू हैव गिवन द कटिंग, है ना। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी, अभी देखू ट्राई करके। चल कितने एक्साइटेड हो रहे हो, कितने एक्साइटेड टू ट्राई इट। कितना टाइम वेट करना पड़ेगा आपके लिए? 10 मिनट हो जाएगा। अरे वाह। तो अनिता क्या हुआ थी? कैन कैन लग गया है, पहले कैन कैन नहीं था, और कैन कैन लगने के बाद तो ओह गॉड मैं चक्कर आ गई हूं, इतना प्यारा ड्रेस बना है। नो वर्ड्स, पहनने वाला भी तो अच्छा है ना, समझे। लेकिन अभी सीन क्या हो गया, निदा का ड्रेस गया है फिर से टाइट होने के लिए, बिकॉज वो क्योंकि इतना हैवी है, इतना हैवी है, इलास्टिक कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, सीधा नीचे हो जा रहा है, बिकॉज बहुत हैवी है वो, एक्चुअली बहुत ज्यादा। मैं समझ नहीं पा रही कि मैंने 5 इंच की हील्स ली हूं, विल आई बी एबल टू वॉक विद दिस हैवी ड्रेस? करो तुम, अभी तुमको वो शौक था ना, ड्रेस इतना हैवी है, मेरे ज्वेलरीज इतनी हैवी है, तुम इतने हैवी हो। ये तुमने कब से चालू कर दिया करना? हमारा लहंगा बना रहा था। लहंगा ये मत करो कुछ भी। तो गाइस निदा का लहंगा ये रहा, गाड़ी में पहनने का खाना खाने के टाइम पे। वो भी आसान है, ये निदा का लहंगा बन गया। अरे वाह, वो जो बच्चे लोग को पहनाते ना खाना खिलाने के लिए, नहीं तो इससे बड़ा लंबा है ऐसे इधर तक, इतना बड़ा है। तुम खाना वक्त गिराते हो ना, तुम्हारे तो पूरा ऐसा गोल बिछना चाहिए। चलो चलो लोगो काम करने दो, जल्दी जल्दी कमर के निकाल के पहले कुछ चलो। तुम्हारा लहंगा क्या करूं, तुम्हारे नीचे लगा दो, मतलब डायपर नहीं, नीचे तुम लहंगा पहन लो। टॉवल लग रहा है, वेरी बैड टेलर। देखो भैया ये सब गंदा कर रहा है कपड़ा। निकालो इसको बाहर यहाँ से। गाइस देख लो निदा का लहंगा। एक हाथ में मेरा लहंगा लेके चल रहा है और दूसरे हाथ में फोन से व्लॉग देख रहा है कि बराबर एडिट हुई है या नहीं। वाओ पार्सल बॉय सूफी अपने ही मगन में ये। ओए क्या पार्सल बॉय। जरा भी मुंह को सबर नहीं है इसको, डॉक्टर ने बोला है लाइट जितना हो सके लो डाइट रखो, और ये भाई साहब को खाना है मैकडॉनल्ड्स। तो मैंने उसको बोली कि अच्छा ठीक है मैकडॉनल्ड्स खाना है, तो मेरी एक शर्त होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ वेज खा सकते हो, नॉन वेज जरा भी नहीं खा सकते हो। बिकॉज जो अभी हम लोग यहाँ पे मेरे कपड़ा देखने गए थे, वो डिजाइनर ने बहुत सारी चीजें बोला है प्रोटीन के ऊपर, तो मैं बहुत डर गई, मतलब चिकन को लेके, कि जब बीमार हो अगर चिकन को परहेजी बोला गया तो करना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है पेट में। वाओ कितना लो बजट भी है ना सूफी। अगली बार से यही करने का क्या? हाँ अगली बार से यही करने का, भूख लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ वेज खाएंगे हम लोग। पहली बार सस्ते में काम हो रहा है। उनने बोले भी यहाँ कि जितना हो सके जंक कट करो अपनी लाइफ से, और ये भाई साहब को देखो जंक खाता ही नहीं। हाँ जंक खाते, क्या फास्ट सर्विस है यार सुफियान। सुफियान आज के बच्चे मुझे ड्राइव थ्रू में लाके खिलाओगे, बहुत फास्ट है यार। वाओ आई एम इम्प्रेस्ड। जाओ 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 जाओ, ये तुम्हारा रोज का तकिया कलाम है। तो फाइनली मेरा कपड़ा पूरी तरह से रेडी हो गया है, हम लोग फाइनल ट्रायल के लिए आए। अभी जो भी होगा कपड़ा लेके यहाँ से जाना ही, इसके बाद मैं तो अंधेरी नहीं आने वाला भाई, मेरी हालत ही नहीं है गाड़ी में, ट्रैफिक इतनी रहती इसकी कोई हद ही नहीं है। चलो ट्रायल करते हैं। सुफियान का तो ड्रेस मिल गया है, उनकी भी कपड़े की डिलीवरी। बस एक चीज रह गई है, ब्रॉश बचा है और जूते की फिटिंग बाकी है। राइट, अभी जूता फिर से पूरा खोलेंगे, फिर ये साइज का करेंगे। और मेरा भी एक दुपट्टा बाकी है भाई, पूरा नहीं हो पाया आज फिर भी, बट डिलीवरी ऑलमोस्ट डिलीवरी हो गई है, जो सामान जो है वो वी पास हो गई। जो चीज के लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी, मतलब पहन के चेक करने की बॉडी पे परफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सब तो उन्होंने देख लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो छोटी मोटी चीज है वो तो अगर हम लोग नहीं भी रहे वी फास्ट भी कर लिए तो इट्स गोना गेट डन। ओह इंग्लिश, ओह माय गॉड, कॉपी कर सकते हो। गया है तुम्हारा पैकिंग, ये इट इज अ सरप्राइज। यस, बट सुफियान ने अपनी मम्मी को बताया
राइट तुमने मेरी मम्मी को नहीं बताया और मैंने मेरी मम्मी को बताई और मैंने सुफियान की मम्मी को नहीं दिखाई तो मेरा जो ड्रेस है वो आंटी के लिए सरप्राइज रहेगा और सुफियान का जो कपड़ा है वो मेरी मॉम के लिए सरप्राइज रहेगा। अभी चलो निका फटाफट निका का कपड़ा भी लेना अपने को। यस तुम्हारा निका का तो माशाल्लाह आ गया, मेरा निका का अभी कपड़ा नहीं आया, मेरा मेहंदी का कपड़ा नहीं आया है एंड यू नो व्हाट आई हैव टू गो फॉर माय हल्दी का कपड़ा आल्सो। कब जाएंगे? नहीं तुम चलो साथ में मेरे। इतनी खुशी अपने कपड़े लेके। वो तो बात सही है, अभी बांद्रा शाम है, हम लोग पूरे गाँव में जो है। तो जब हम लोग आज सुफियान का कपड़ा लेने गए थे अभी और वहाँ पे जो हमें दिखा रहे थे दिनेश भाई, वो हम लोग को बोल रहे कि हर चीज में छोटी छोटी चीज में तुम लोग वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम लोग करोगे क्या वीडियो का? हाँ रात में देखते हो क्या बैठ के आप लोग वीडियो, हंसते हो। फिर सुफियान ने क्या बोले? बोला कि हम लोग व्लॉगिंग करते और इसी से हम लोग पैसा कमाते। And he was so shocked. बोला है ऐसे पैसा भी आता है? बोला रहा हाँ आता है। So yes, हम लोगों ने फिर उनको बताया कि यार हम लोग ब्लॉग्स बनाते। बोले हाँ मैं देखा हूँ। तो पैसे कैसे आते? मैं बोली जाओ यूट्यूब पे और जाके सर्च करो पैसा कैसे कमा रहा है यूट्यूब पे। सही बात है कि गलत कपड़ा काम से यूट्यूब चालू कर दिया। हाँ वो भी यूट्यूब चालू कर दिए। तो शॉर्ट है उनकी भी जिंदगी, ऐसा काटने का कपड़े को, ऐसा सीने का कपड़े को। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बांद्रा, ऑन द वे है सुफियान का निकाह का जो कपड़ा लेना है उसी के लिए। बस ये फाइनल काम है, बाकी अपने जो ड्रेस ही सभी है वो भी इनकम्प्लीट नहीं था। हाँ यार नॉट टू वरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट। आप जब कोई चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें सेटिस्फेक्शन ना मिले तो बहुत बात तो सही है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, एकदम डिसहार्टेड फील होता है। बट अब इसमें ऐसा लगेगा कि यार पैसे जा रहे चलेगा बट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या बात है, अब्दुल रोजिक की चेयर। हाँ अब्दुल रोजिक की चेयर कितनी छोटी छोटी है, भिजवा दो उसके लिए आगे, बट नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। जल्दी जल्दी पहन के दिखाओ कैसा है, यहीं पे उतार रहे हो पैंट। तो आ गए हैं हम लोग सुफियान के कुर्ते के लिए। यस बेचारे को एक शूज पसंद आया बट उसका मटेरियल नहीं है और उसको पैर में घुस भी नहीं रहा है। तो अभी काम करते हैं, क्या करेंगे बताओ, तुम्हारे हल्दी और तुम्हारे निकाह का शूज बाकी है, रेडीमेड लेना पड़ेगा। हाँ चलो रेडीमेड ही ले लेते हैं, कुर्ता हो गया, सला सला रिसेप्शन का हो गया, खाली वही बच्चा अपना जूता। तुम्हारा बच्चा है? मेरा क्या बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है ना निके का? मेरा निके का बच्चा है, मेरा तो सिर्फ रिसीव करना है। ठीक है, तुम्हारे वजह से मैं ब्लॉग नहीं ले पाई। मेरी वजह से क्यों? क्योंकि हम लोग गए थे तुम्हारे जूते के कपड़े लेने के लिए जो हम लोग लेकर आए। यस मिल गया, फॉर्चुनेटली मिला ये कपड़ा, ये निकाह का हो गया और हल्दी के लिए भी हम लोग ने ले लिए है। यस बहुत भागम दौड़ी करके नहीं चालू किए, आई एम सॉरी, मैं टायर्ड हो गई हूँ यार, मेरी तबीयत खराब है। क्या हो रहा है तुम्हारे पैरों के साथ? तुम्हारे पैरों पे मेहंदी लगने वाली है अभी। कदम शादी में गिर गई तुम्हारे पैर, फुटप्रिंट्स। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी टाउन पहुंच गए हैं, कपड़े का सब हो गया, निधा का भी हो गया, मेरा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जूते का भी हो गया, बस निधा का थोड़ा बहुत बचा है और निधा की भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो उसको पहले मैंने छोड़ दिया। और फिर वही रूटीन, पार्किंग जाओ, फिर वहां से किसी को लेने बुलाओ, फिर सामान लेके वहां जाओ, बहुत मगज मारिए गाइस। चलो ये सब तो मेरा चलता ही रहेगा बट आप लोग को एंटरटेन करना नहीं छोड़ेंगे हम लोग। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू गाइस। Thank you.